एम सोल्यूशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए है, जो शारीरिक चैप्टर से ली गई है और प्रश्नावली 4.5। यह सवाल एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक से प्रश्नावली 4.5 से लिया गया है, शारीरिक चैप्टर से। और इसमें करना क्या है, इसमें आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। इस अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करना है शारीरिक मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए इक्वल टू इतना। यह लिखने के बाद हम ए 11, ए 12, ए 13 ज्ञात करेंगे। एक किनारे से ए 11 ज्ञात कर लेते हैं, तो -1 पर पावर 1+1 हो जाएगा। और हम पहला कॉलम पहली रो छोड़ देंगे, कास का कास में गुणा करेंगे, माइनस कास स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में गुणा करेंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +1, यानी इसका रिजल्ट आएगा -1। इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। अब इसी तरीके से हम इसका ये 12 निकालेंगे, -1 पे पावर 1+2। अब ये वाला कॉलम, दूसरा कॉलम पहली रो छोड़ दिया जाएगा, तो इसका इसमें गुणा होगा 0, 0 का साइन में गुणा होगा, तो 0, 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया। ए 13 निकाल लीजिए, -1 पे पावर 1+3। अब ये तीसरा कॉलम छोड़ना है, पहली रो छोड़ना है, तो यहाँ भी 0 0 दिख रहा है, 0 माइनस 0 इक्वल टू हो गया 0। अब हमें ए 21 निकालना है, तो -1 पे पावर 2+1, और ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये दूसरी रो छोड़ देना है, तो एक का कास में गुणा होगा, तो माइनस कास अल्फा। और उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला, सॉरी, ये पूरा दूसरा रो छूटेगा, पहला कॉलम छूटेगा, तो 0 का कास में साइन का 0 में 0 माइनस 0 का, सॉरी, यहाँ पे 0 होगा माइनस 0, ये भी आएगा क्या, 0 आएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ए 22 निकाल देते हैं, -1 पे पावर 2+2। अब ये छोड़ देंगे हम, बीच वाला छोड़ देंगे, बीच वाली पंक्ति, बीच वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा होगा कास में, तो माइनस कास अल्फा, और 0 का गुणा होगा 0 में, तो ये 0 होगा, तो यानी ये +1 हो गया माइनस कास अल्फा, यानी आंसर आएगा माइनस कास अल्फा। अब ए 23 निकाल लीजिए, -1 पे पावर 2+3, ब्रैकेट में क्या होगा। अब देखिए, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 गुणे साइन माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आने वाला -1, -1 गुणे साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब ए 31 निकालेंगे, -1 पे पावर 3+1 करेंगे, अब यहाँ पर आपको दिखा कर ही करना पड़ेगा, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, 0 माइनस 0 होगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। 32 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन छोड़ना है, तो 1 का साइन में गुणा होगा, बस साइन होगा। 32 के लिए 3+2 कर देंगे, और साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये 32 का मान माइनस साइन अल्फा हो गया। अब ए 33 निकाल लेते हैं, -1 पे पावर 3+3, अब गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, तीसरा कॉलम छूटेगा, तीसरी रो, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो जाएगा 1 गुणे कास, तो कास माइनस 0, कास अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है +cos अल्फा।
अब ये सब निकल जाने के बाद अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए, निकालना है ए डी जे ए। ए डी जे ए इक्वल टू होगा -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस माइनस साइन, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन कॉस, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें डैश लगा देते हैं, इसका परिवर्त अभी ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस माइनस साइन, 0 माइनस कॉस माइनस साइन, 0 माइनस साइन कॉस 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये तो आया अभी एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए निकल गया अपना। अब इसके बाद क्या निकालना है? सारणिक ए का मान निकालना है। सारणिक ए का मान निकालने के लिए सारणिक के अंदर पहले हम इसको लिखें, सारणिक ए को लिखें यहाँ क्वेश्चन से, यही रहेगा 1 0 0 0 cos α sin α 0 sin α - cos α। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मान लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट जाएगी, cos गुणे cos माइनस cos स्क्वायर अल्फा, sin गुणे sin माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी ये सब क्या है? जीरो है, जीरो है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद ये 1 होगा, बाहर का माइनस रह जाएगा, ये हो गया -1। नॉट इक्वल टू 0 इस नाते ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम, ए इनवर्स बराबर 1 बाई सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाई सारणिक ए का मान -1 है और एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर है, यही है -1 0 0 0 cos α - sin α 0 - sin α cos α। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 1 0 0 0 plus cos α plus sin α 0 plus sin α minus cos α। यही रहा आपका आंसर और यही रहा ए इनवर्स का मान, यही है ए इनवर्स का मान। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो के अंदर आपने देखा सीखा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 को अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो 8 मिनट की हो चुकी है।